अमेजोन के ऊपर जो आप रिव्यूज देखते हैं वो फेक है, ऐसा दावा किया जा रहा है। एयरटेल एक ऐसा प्लान लेके आया है जहां पे आपको प्राइम वीडियो की सुविधा मिलने वाली है, और प्रीपेड के साथ एक ये पहला प्लान है। इसके अलावा किसी और कंपनी के पास ऐसा प्लान नहीं है। इसके अलावा आप फेक रिव्यूज को कैसे चेक करते हो, उसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में बताऊंगा, और साथ ही साथ कुछ मैंने ऐसे मोबाइल से रिलेटेड न्यूज़ आप तक लाने की कोशिश की है जो अभी फिलहाल आज कल में मार्केट में आया है और जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकल के आया है कि वावे और ओप्पो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे हैं गूगल के टक्कर के, मतलब कि गूगल को वो टक्कर देने वाले हैं आने वाले समय के अंदर, और वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम बना के चाइना के अंदर जो मार्केट है उसमें सस्टेन करना चाहते हैं। इसके अलावा वीवो भी कुछ काम कर रहा है। ओप्पो और वीवो के बाद वन प्लस भी अपने कुछ फ़ोन ऐसे लेके आने वाले हैं जो कि अलग होने वाले हैं उनके ट्रेडिशनल फोन से। तो दोस्तों, टेक टॉक के थर्ड एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। आज मैंने कुछ मोबाइल फोन्स के आप कह सकते हो कि इन्फॉर्मेशन को ऐड किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा क्या आपको इस तरीके के न्यूज़ लेना अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। इसके अलावा आपसे एक मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, एक पोल है ऊपर आप देख सकते हैं, पोल में मैं ये क्वेश्चन डाल रहा हूँ कि आप लोगों को आने वाले समय के अंदर अगर मैं डिस्काउंट से रिलेटेड कुछ वीडियो बना के डालता हूँ हफ्ते में 2 वीडियोस, तो क्या आप वो देखना पसंद करेंगे कि मतलब कैसे डिस्काउंट चल रहे हैं, आपके एप्लीकेशन पे क्या डिस्काउंट मिल रहा है, या फिर पेटीएम अमेजोन इन सब के ऊपर कोई डिस्काउंट ऑफर चल रहा है क्या? क्योंकि इसकी बहुत कमी है, और जो लोग बनाते हैं वीडियो वहां पे 100% श्योरिटी नहीं होती कि आपको कुछ डिस्काउंट उसके अंदर मिलेगा। तो ऊपर जो पोल दिया हुआ है उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, और पार्टिसिपेट करने के बाद मुझे बताइए क्या मुझे शुरू करना चाहिए डिस्काउंट ऑफर वाले जो प्लान है उसके बारे में बताने का। तो सबसे पहले बात करते हैं अमेजोन के फेक रिव्यूज के बारे में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जब भी हम अमेजोन से कुछ सामान खरीदते हैं या किसी भी ऑनलाइन प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं, तो वहां सबसे पहले हम रिव्यूज को चेक करते हैं कि रिव्यूज कैसा है, और रिव्यूज जिनके अच्छे होते हैं, मतलब कि जिनकी रेटिंग्स अच्छी होती है, उन प्रोडक्ट्स को हम ऊपर रखते हैं और वही प्रोडक्ट कोशिश करते हैं कि लें। लेकिन ऐसा नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। अमेजोन बहुत कोशिश कर रहा है कि अपने वेबसाइट के ऊपर या अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर फेक जो उनके सेलर्स हैं उनको हटाए, या फिर जो फेक लोग अपना सामान को बेच रहे हैं फेक तरीके से उनको कम करे। उसके लिए बहुत पैसा भी अमेजन इनफैक्ट खर्च कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी काफी ऐसी कंपनियां हैं, जैसे कि यूके में एक कंपनी है एमईजी टाइगर, जो कि सिर्फ यही काम करती है फेक रिव्यूज देने का। उनके पास 3,000 जो आप कह सकते हैं कि फ्रीलांसर्स हैं जो कि फेक रिव्यूज देते हैं, और बहुत जबरदस्त तरीके से देते हैं कि लगेगा कि एकदम ओरिजिनल रिव्यू है। तो इससे क्या होता है कि कोई ऐसा आप कह सकते हैं कि प्रोडक्ट जो कि इतना अच्छा नहीं है उसको अच्छा दिखाया जाता है। उसके लिए वो एक सिंपल मनी चार्ज करते हैं $15 के आसपास, और उस पैसे को लेने के बाद वो लोग क्या करते हैं कि रिव्यू कर देते हैं। तो 1,000-1,200 रुपए में आपको रिव्यू दिए जा रहे हैं, वो भी गलत। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हो और रिव्यूज के ऊपर खरीदने जाते हो, मतलब कि कुछ प्रोडक्ट तो हम ऐसे खरीदते हैं कि हमें पता होता है कि ये प्रोडक्ट हमें लेना है, लेकिन अगर रिव्यूज के हिसाब से अगर प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो एक वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, उस वेबसाइट पर जाइए और वहां पे उसका लिंक उठा के डालिए। आपको बता देगा कि कितने परसेंट तक उसके रिव्यूज सही हैं और कितने परसेंट तक गलत हैं। उस वेबसाइट का नाम है फेक स्पॉट। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, मैंने एक ऐसे यूआरएल को कॉपी करके डाला था और उसका रिपोर्ट इन्होंने ऐसे दिया हुआ है, तो ये अच्छा है, और इसमें आपको पता चल जाएगा कि जो आप देख रहे हो प्रोडक्ट उसमें रिव्यू सही है या नहीं है। इसके बाद बात करते हैं एयरटेल के बारे में। तो दोस्तों, एयरटेल जो है हमेशा से कोशिश ये करता है कि इंडिया का नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी कैसे भी करके फिर से बन जाए वो, क्योंकि पीछे के टाइम में बहुत ज्यादा हार्ड टाइम रहे एयरटेल और वोडाफोन के लिए जब से जियो आया है, लेकिन जब से आईसी चार्ज जियो ने लगाए हैं उसके बाद एयरटेल वोडाफोन थोड़ा सा ऊपर आता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि पिछले रिपोर्ट से मैंने आपको बताया कि एयरटेल ने लगभग 12 मिलियन का सब्सक्राइबर्स को ऐड किया है, क्योंकि ट्रूली अनलिमिटेड कॉलिंग, मतलब किसी भी नंबर पे आप कॉल करो कोई आईसी चार्जेस आपको नहीं देने पड़ेंगे, वो एयरटेल और वोडाफोन के अंदर है। लेकिन वोडाफोन कब बंद हो जाएगा या कब कोई प्रॉब्लम आ जाएगी इसके बारे में कुछ कहा नहीं आ सकता। तो लोग मूव कर रहे हैं एयरटेल की तरफ जियो से भी, क्योंकि यहां कॉलिंग का भी टेंशन नहीं है, साथ ही आपको नेटवर्क भी अच्छा मिलता है एयरटेल के अंदर, कुछ एरियाज में नेटवर्क अच्छा नहीं मिलता है। तो इसके कारण एयरटेल आप लोगों को ऐसे ऐसे प्लान देता है कि अपने सब्सक्राइबर्स को बढ़ा सके। अब एक प्लान ऐसा है जहां पर आपको अमेजोन प्राइम का ऑफर मिल रहा है। अब जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि वोडाफोन रेड एक्स और साथ ही साथ कुछ पोस्टपेड प्लान्स हैं एयरटेल के, वहां पे आप लोगों को मिलता है जो अमेजोन प्राइम का ऑफर है वो, लेकिन ये पहला और आखिरी प्लान है एयरटेल का जिसके अंदर ऐसा ऑफर मिल रहा है आप लोगों को। मतलब कि अमेजोन प्राइम की जो सुविधा है, फास्ट डिलीवरी, अमेजोन म्यूजिक,
साथ ही साथ अमेजोन प्राइम वीडियो ये सारे आप देख सकते हो। 349 रुपीज का प्लान है, 28 डेज की वैलिडिटी है, 2 GB पर डे के हिसाब से आपको इंटरनेट मिलता है, मतलब कि 56 दिन, और साथ ही साथ अनलिमिटेड कॉलिंग, मतलब अनलिमिटेड कॉलिंग किसी भी नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। तो ये अच्छा प्लान है अगर आपका खर्चा अमेजोन प्राइम के साथ साथ और भी OTT प्लेटफॉर्म देखने का है, तो ये आप ये प्लान ले सकते हो। अदरवाइज अलग से सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो अलग बात है। अब अगले इन्फॉर्मेशन के बारे में आप जानकर हैरान होंगे कि अभी इंडिया के अंदर 4G से 5G कन्वर्जन के बारे में बात चल रही है, लेकिन US के अंदर वहां 10G के बारे में लोग सोच रहे हैं। कैसे? तो वहां पे जो काम चल रहा है वो ब्रॉडबैंड के ऊपर काम चल रहा है, मतलब कि इंडिया के अंदर जो जियो फाइबर जैसे आया हुआ है, वैसे ही यहाँ पे और भी फाइबर नेट केबल्स बिछे हुए हैं, MTNL के बिछे हुए हैं, साथ ही साथ एयरटेल के बिछे हुए हैं, लेकिन जो US है वहां पे ज्यादातर फाइबर नेट केबल होते हैं और स्पीड जो होती है बहुत जबरदस्त होती है, वो लगभग 1 Gbps की होती है। तो उस 1 Gbps स्पीड को बढ़ा के 10 Gbps करना चाहते हैं जो US के मेन केबल ऑपरेटर्स हैं, और लगभग 85% वहां के लोगों को वो प्रोवाइड करते हैं, वो लोग केबलिंग करके और नया तरीके का एक 10G स्पीड लेके आ रहे हैं। 10G में क्या होगा कि जो स्पीड होगी 10 Gbps होगी, सिक्योरिटी अच्छा होगा, लेटेंसी रेट कम होगा, साथ ही साथ इसके अंदर आपको कोई भी तरीके का लैग नहीं मिलेगा देखने को। आने वाले समय के अंदर IoT डिवाइसेस आने वाले हैं जिससे आपका पूरा होम जो है ना पूरा डिजिटल होने वाला है, मतलब कि घर में एंटर से लेके घर से बाहर निकलने तक आपका बिल्कुल सारा ऑटोमेटिक होगा, कुछ भी आपको कीज या मैनुअली कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको चाहिए बहुत ही फास्ट इंटरनेट, और फास्ट इंटरनेट का मतलब यह है कि 10G आपको प्रोवाइड करेगा फास्ट इंटरनेट, और वो सर्विस US के अंदर आने वाले 2-3 महीने के अंदर स्टार्ट हो जाने वाली है, मतलब कि 2020 में आपको 10G की सर्विस US में मिलने वाली है। तो देखते हैं इंडिया के अंदर कब ये सर्विस शुरू होती है, लेकिन अगर US के अंदर आएगी तो आने वाले 2-3 साल के अंदर तो इंडिया में भी हम ऐसा सोच सकते हैं कि इंडिया में भी आ जाए। 10G सर्विसेज के बारे में बात करने के बाद एक दूसरी खबर निकल के जो आई है वो आपके बेनिफिट की है। हगो ऐप, इसके बारे में शायद आपने सुना हो, HAGO ऐप, इसको और मतलब में मत लीजिएगा। इसके अंदर आपको डिस्काउंट ऑफर्स मिल रहे हैं, इसके अंदर आपको कैशबैक मिल रहा है। करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको डाउनलोड करना है और कुछ प्रोसेसेस है उनको कंप्लीट करना है। उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद आप गेम को प्ले कर सकते हैं। गेम 9 बजे रात को रोज होता है, और गेम जैसे प्ले करने का मतलब यह है कि आपको फोन को सेक करना होता है। जैसे ही फोन को सेक करते हो आप कुछ अमाउंट जनरेट करते हो, उस अमाउंट को जनरेट करने के बाद कुछ समय के बाद आपको क्या करना होता है, आपको उसको ट्रांसफर करना होता है अपने पेटीएम जो आपका अकाउंट है उसके अंदर, और आप जीत सकते हैं 25 रुपए तक का इनाम हगो ऐप के थ्रू। इसके बाद बात करते हैं मोबाइल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो हुआवे जो है जो कि US में बंद हो गया, और बंद होने के बाद कुछ टाइम के बाद उस पर सैंक्शंस लगे और वो ओपन हुआ, लेकिन ओपन होने के बाद उसके अंदर ये था कि हमें अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अपने एप्लीकेशन वगैरह लेके आने हैं। तो गूगल को सबसे बड़ी परेशानी होने वाली है हुआवे के थ्रू, क्योंकि हुआवे जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड है सैमसंग के बाद, और ज्यादातर इसका मार्केट शेयर चाइना के अंदर है। तो चाइना के अंदर एटलीस्ट हुआवे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहा है, और उसको हुआवे मोबाइल सर्विसेज के नाम से जाना जाएगा। और उसके अंदर जैसे गूगल प्ले स्टोर्स के अंदर आपको सारे के सारे सर्विसेज मिलते हैं, वैसे वहां पर मिलेंगे। ओप्पो भी इसके ऊपर काम कर रहा है, ओप्पो भी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम लाने को इसमें लगा हुआ है, और एप्लीकेशन जो है ओप्पो भी कोशिश कर रहा है कि अपने एप्लीकेशन डेवलप करें कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे वो ज्यादा डिपेंडेंट ना रहे, और अपने एप्लीकेशन लेके आए कि आने वाले टाइम के अंदर कुछ अगर चेंजेस होते हैं मार्केट के अंदर, कुछ अनसर्टेनिटी आती है, तो अपना सब कुछ लॉन्च कर सकें। इससे बेनिफिट उन लोगों को तो होगा क्योंकि चाइना के अंदर ऐसे ही गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट जो है बैंड है, तो वहां पे हुआवे और ओप्पो जो है अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन ग्लोबल तौर पे देखें तो वहां इन लोगों को मुश्किल होने वाली है, क्योंकि एंड्रॉयड जो है इतना ज्यादा मार्केट शेयर लेके बैठा हुआ है और इतने ईजी तरीके से लोगों के द्वारा इसको पसंद किया गया है कि एंड्रॉयड को रिप्लेस करना हुआवे और उसके लिए परेशानी है। लेकिन गूगल जो है थोड़ा परेशान तो जरूर होगा क्योंकि उसके सर्विसेज पे इससे असर जरूर पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं वीवो के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है, ओप्पो, वीवो, रियलमी और वन प्लस चार ऐसी कंपनीज हैं जिसका पेरेंट कंपनी सेम है, और इन लोगों के द्वारा हर एक कुछ टाइम के फोन लॉन्च किया जाता है, और उस फोन को इंडिया के साथ साथ पूरे विश्व में लॉन्च किया जाता है, और हमेशा कोशिश ये की जाती है कि मार्केट के अंदर वो अपना जो टॉप का पोजिशन है वो बनाए रखें। वीवो उसी तरीके से अपने इंडियन मार्केट को अच्छे तरीके से बढ़ाने के लिए, और वैसे भी वो अच्छा काम कर रहा है, 2020 में कोशिश ये कर रहा है कि 5G पे ज्यादा फोकस्ड रहेगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड चीजों को लेके आएगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर इंटरनेट की स्पीड जब बढ़ेगी तो आपको मालूम है कि चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रही हैं। तो इसीलिए वीवो पहले से इस पर सोच के बैठा हुआ है और इस पर काम कर रहा है।
अब बात करते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री के बारे में। भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री बहुत ही बुरे समय से गुजर रही है, क्योंकि जैसे ही जियो का लॉन्च होता है इनके प्राइसेस कम हो जाते हैं, और प्राइसेस ऐसे कम होते हैं कि विश्व में सबसे सस्ता इंटरनेट कहीं है अगर वो तो इंडिया के अंदर। $0.21 पे करने पड़ते हैं आपको 1 GB इंटरनेट के लिए। यूएस के अंदर आपको $12 के आसपास पे करना पड़ता है 1 GB इंटरनेट के लिए। यूके के अंदर आपको लगभग $60 पे करना पड़ता है 1 GB इंटरनेट के लिए। तो इंडिया के अंदर इतना सस्ता इंटरनेट होने के कारण इसका असर सबसे ज्यादा किस पे पड़ रहा है, तो कंपनीज के ऊपर पड़ रहा है। और ये असर तो पड़ ही रहा था कि सस्ता इंटरनेट इनको सप्लाई करना पड़ रहा है, इसके अलावा AGR का चक्कर पड़ गया और 1,40,000 करोड़ ये तीन कंपनी जो प्राइवेट है इनको देना पड़ा। भले ही जियो का शेयर कम है लेकिन इन तीनों को ही देना पड़ रहा है। साथ ही साथ लाइसेंस फी आने वाले टाइम के अंदर उनको ज्यादा पे करना पड़ेगा कि 5G स्पेक्ट्रम सेल होने वाले हैं। तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर विचार करके और चीजों को ठीक करना चाहिए, क्योंकि कंपनीज बार बार ये कह रही हैं कि हम बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहे हैं, आने वाले समय के अंदर इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है इनके ऊपर। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा जो रिचार्ज प्लान था उसके अंदर बढ़ोतरी हो गई, और इन्होंने जो एवरेज रेवेन्यू था पर मंथ उसको बढ़ा के 200 रुपये के आसपास कर लिया। लेकिन आने वाले समय के अंदर वो 300 रुपये करना चाहते हैं। मुझे ये लग रहा है कि इसी कारण से इतनी सारी बातें चल रही हैं। जो पैसे इनको देने हैं AGR के रूप में, ये तो बहुत टाइम से देने थे, इन्होंने दिए नहीं थे, कोर्ट ने आदेश दिया तो इनको देने हैं। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि नहीं, अब कहां से आएंगे इनके पास पैसे, अब तो कस्टमर से लेंगे, यूजर से लेंगे, हम जैसे लोगों से लेंगे। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर फ्लोर प्राइसेस जैसे फिक्स हो जाएंगे, जिसके ऊपर कंसल्टेशन पर ऑलरेडी आ चुका है ट्राई का, तो आपके रेट दोबारा बढ़े। और अगले 9 महीने में जैसा कि अनुमान है 2 बारी रेट का इन्होंने रिक्वेस्ट किया है ट्राई से, तो तैयार रहिए इस तरीके के न्यूज के लिए कि फिर से आपके रेट्स को बढ़ा दिया गया। टेलीकॉम इंडस्ट्री के इस खबर के बाद बात करते हैं OnePlus के बारे में। तो OnePlus हमेशा से कोशिश ये करता है कि अपने फोन्स ऐसे लेके आए मार्केट के अंदर कि ज्यादा तो लोग उसको पसंद करें। OnePlus ने जितने भी पहले फोन निकाले थे उसके अंदर बहुत जबरदस्त तरीके के स्पेसिफिकेशंस और अलग तरीके के कुछ कुछ आप कह सकते हैं कि सर्विसेज देना की कोशिश की थी। अभी OnePlus काम कर रहा है फोल्डेबल फोन के ऊपर, तो आने वाले समय के अंदर 2020 में हो सकता है कि OnePlus आपको एक फोल्डेबल फोन दे, और उससे क्या होगा कि मार्केट के अंदर जो उसका एक्सपेंशन है वो बढ़ेगा और जो उसका कस्टमर बेस है उसमें बढ़ोतरी होगी। और फोल्डेबल फोन का जमाना है, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मोटोरोला ने जब फोल्डेबल फोन दोबारा लॉन्च किया जो कि 1.5 लाख के आसपास है, क्योंकि फोल्डेबल फोन की कॉस्ट इसलिए बढ़ जाती है कि एमोलेड स्क्रीन आपको देना है और फोल्ड करने में उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। जैसे होल जब करते हैं पंच होल डिस्प्ले के लिए और उसके अंदर जो हम LCD डिस्प्ले करते हैं या फिर एमोलेड स्क्रीन डिस्प्ले करते हैं, तो LCD में तो कम खर्चा होता है लेकिन एमोलेड के अंदर ज्यादा खर्च हो जाता है। तो इसी तरीके से फोल्डेबल फोन होगा तो उसके प्राइस लगभग 1 लाख प्लस होंगे, इसकी पूरी ज्यादा चांसेस हैं। अब बात करते हैं एमोलेड स्क्रीन के बारे में। तो आप लोगों को मालूम होगा कि एमोलेड स्क्रीन को ज्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि ब्राइटनेस ज्यादा होती है, क्वालिटी ज्यादा निकल के आता है लाइट का, और जो आप पिक्चर क्वालिटी देखते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, कि सबसे इंपॉर्टेंट आज की डेट में मोबाइल के अंदर क्या होता है, फोटो क्लिक करना, वीडियो देखना, तो ये सारी चीजें आपके मोबाइल में सबसे इंपॉर्टेंट है। जो लोग गेमिंग करते हैं उनको प्रोसेसर से मतलब होता है, जो लोग गेमिंग नहीं करते हैं उनको बैटरी और इनसे मतलब होता है, स्क्रीन से मतलब होता है। तो एमोलेड स्क्रीन जो है ना आने वाले समय के अंदर 60 करोड़ डिवाइसेस बेचेंगी 2020 के अंदर, मतलब कि लगभग 600 मिलियन डिवाइसेस के अंदर एमोलेड होने वाला है 2020 में। और इसका जो सबसे बड़ा चंक होगा वो कौन लेगा, वो सैमसंग। अभी आज की डेट में 48% जो फोन बिके हैं एमोलेड के वो सैमसंग ने बेचे हैं, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर भी उसके अंदर ही ज्यादातर लोगों का चॉइस रहेगा कि सैमसंग वो फोन खरीदें। लेकिन रियलमी, आपका सोमी, साथ ही साथ ओप्पो, ये सारे अच्छे काम कर रहे हैं, OnePlus भी फोन अपने बेच रहा है, लेकिन इनके परसेंटेज थोड़े कम रहने वाले हैं एमोलेड में, क्योंकि ये बहुत तरीके के फोन निकालते हैं, बहुत तरीके के स्पेसिफिकेशन निकालते हैं। तो आने वाले 1 साल के अंदर मालूम चल जाएगी कौन सी चीजें कैसे बदल रही हैं। दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने एक जगह आपको एक वीडियो में लाने की इसलिए कोशिश की कि आपका टाइम बचा सकूं। आने वाले टाइम के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आएगा मैं आप तक जरूर लेके आऊंगा। जो मैंने पोल ऊपर दिया उस पर जरूर आप अपना पार्टिसिपेशन कीजिएगा, और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ऐसे मोटिवेशन से बहुत अच्छा लगता है। आने वाले टाइम के अंदर बहुत बढ़िया वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ आप लोगों तक। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, नीचे आप लोगों को घंटी दिख रहा होगा, और घंटी का बटन बिना प्रेस किए मत जाइए, क्योंकि घंटी का बटन प्रेस कीजिएगा तभी आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा, आप वीडियो देख पाइएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों देखने के लिए।